दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली सरकार के अधिकारियों की क्लास लगाई है। अरविंद केजरीवाल ने अधिकारियों से कहा कि हम सब कुछ सहन कर सकते हैं, लेकिन राजनीति बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगर आप राजनीति में दिलचस्पी रखते हैं तो रिजाइन कीजिए, इलेक्शन लड़िए और हमारा सामना कीजिए। मंगलवार को सिविल सर्विस डे पर अधिकारियों के बीच केजरीवाल ने कहा, जनता बड़ी खुश है और इसी तरह सरकार चलती रही तो 10 से 15 साल हम कहीं नहीं जाएंगे। किसी को ये पसंद आए या नहीं, लेकिन दिल्ली में तो 10 से 15 साल हम ही रहेंगे। हम कुछ भी बर्दाश्त कर सकते हैं, राजनीति बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर किसी ने राजनीति करनी है, किसी अफसर ने, रिजाइन करो, आ जाओ चुनाव के मैदान में। इस देश के अंदर बड़े बड़ों की राजनीति खराब कर दी हम लोगों ने। अगर किसी ने राजनीति करनी है, रिजाइन करो, आओ चुनाव के मैदान में, खुल के आ जाओ, राजनीति करेंगे आमने सामने खड़े होके। लेकिन अगर ब्यूरोक्रेसी के अंदर रह के राजनीति करने की कोशिश की तो फिर उससे डील करना हम लोगों को भी आता है। दरअसल पिछले साल दिसंबर में दो दानेक्स अधिकारियों को सस्पेंड किए जाने के विरोध में कई ऑफिसर्स मास लीव पर चले गए थे। हालांकि अधिकारियों की क्लास लेते हुए केजरीवाल ने कहा, जिन जिन लोगों की 45 के ऊपर उम्र हो गई है उनके लिए कोई रास्ता नहीं है, हम ही हैं आपके पास। हालांकि केजरीवाल के इस बयान के बाद विरोधी दलों ने केजरीवाल पर अधिकारियों को जबरन रौब दिखाने की निंदा की है। राजनीति तो वो करते हैं, राजनीति हर विषय पर करते हैं। आप ब्यूरोक्रेसी के लोगों के कमरे में ताला लगा देंगे, ये आज तक कभी हुआ है इतिहास में? तो आप केवल अपने जो पार्टी के वर्कर हैं उनको उनके सर पर बिठाना चाहते हैं, और जो उसका विरोध करता है वो आपका विरोधी हो जाता है। आप उनसे अंडू फेवर चाहते हैं, जो फेवर, जो भ्रष्टाचार आप कराना चाहते हैं, ब्यूरोक्रेसी वो करती नहीं, इसलिए वो आपके लिए ठीक नहीं है। और जो भ्रष्ट है, जिन पर सीबीआई रेड करती है, उनको आप क्लीन चिट देते हैं। तो आपके जो डबल स्टैंडर्ड है उससे दिल्ली पिस रही है, और दिल्ली की जनता आपके इन सब तरीकों से बहुत परेशान है, और इसलिए आप डराने धमकाने की बात करते हैं। हालांकि केजरीवाल के इस बयान पर कांग्रेस नेता जेपी अग्रवाल ने कहा कि अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद की गरिमा को रखते हुए सोच समझकर ही बयान देना चाहिए। मुझे लगता है इनको काम करना नहीं आता, क्योंकि जब आप मुख्यमंत्री हैं, आपकी सरकार है, आप दिल्ली में काम कर रहे हैं, तो जिस ढांचे के साथ काम कर रहे हैं उसको अपने सीने से लगा के काम करना चाहिए। ये जो ऑफिसर हैं या बाबू हैं या जिनको भी ये गालियां देते हैं, रोज इनको कहते हैं चोर हैं, भ्रष्ट हैं, आप इनको गाली देकर काम नहीं ले सकते, आप इनको डिमोलाइज करके काम नहीं ले सकते। अहंकार की ये चरम सीमा है, और कभी जो है वो मीडिया वालों को धमकाते हैं, कभी अफसरों को धमकाते हैं, कभी दिल्ली के लोगों को धमकाते हैं, तो अहंकार की ये चरम सीमा है। और जो लोग कल तक कहा करते थे हम आम आदमी हैं, आज इतने अहंकार से भर गए हैं कि वो खुद ही फैसला कर देते हैं। लोकतंत्र में तो मालिक जनता होती है, कैसे कोई तय कर सकता है कि 15 साल रहेंगे या 20 साल रहेंगे? तो मैं वही कह रहा हूँ, अहंकार की चरम सीमा है। और दूसरा, वो दूसरों को जो कहना चाहते हैं, जो उनके खुद के ऊपर लागू होता है, कि उनको चाहिए कि वो पॉलिटिक्स छोड़ के दिल्ली के कामकाज में लगे। फिलहाल मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दानिस्थ अधिकारियों के आधार पर केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा। हालांकि अधिकारियों को केजरीवाल ने साफ तौर पर ये समझाने की कोशिश की कि सरकार किसी भी अधिकारी की लापरवाही बर्दाश्त नहीं करेगी। सुशील पांडे, टोटल न्यूज़, दिल्ली।